शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद देवी माँ, आपने हमें ये जादू दिया। वैसे ये जादू ना धीरे धीरे सबको दिखने लग गया, जैसे आपने हमें करंट से बचाया था और फिर तेंदुए से बचाया था। आप हमारी रक्षा ही करती है ना, और जो चीज होने वाली होती वो आप पहले हमारे सपने में आकर हमें बता देती, क्योंकि हम रोज रात को 12 बजे आपकी पूजा जो करते हैं। आप ऐसी अपनी कृपा हमारे ऊपर रखिएगा और ऐसे हमें जादू देते रहिएगा। हमें भी देवी माँ वाला जादू चाहिए, हम भी रोज रात को 12 बजे पूजा करेंगे, फिर हमें भी जादू मिल जाएगा। ये बात नेत्रा और केशव की, अब तो आपको पता चल ही गया है, अब आपसे कहाँ छुपाना। जहाँ वीना के बच्चे को पहुँचाए ना, वहीं उन दोनों को पहुँचाएंगे। आप कहाँ थे? हम पूरी रात आपका इंतजार कर रहे थे। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? हमारा बच्चा हमसे छीनने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे सवाल जवाब करने की? कातिल हो तुम हमारे बच्चे की, कातिल हो तुम। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहा हूं मैं? अरे सब्र का इम्तिहान मत लो बीना, ना हम तुम्हारा वो हासिल करेंगे, जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी तुम। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, और आप इतनी बड़ी बात हमसे कैसे कह सकते हैं? अगर आपने अपना बच्चा खोया है तो हमने भी खोया है। आप अगर एक पिता है तो हम भी एक माँ है, और आपने कितनी आसानी से हमें बोल दिया कातिल। आपको पता भी है कि हुआ क्या था? हमें पता चला था कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए हम घर से बाहर गए, और आप हम ही पे इल्जाम लगा रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, आज के बाद अगर आपने हमें हमारे बच्चे का कातिल कहा ना, तो अच्छा नहीं होगा। खबरदार, नौकरों को कहना कि ध्यान से बाबा का जो दरवाजा है उसमें ताला लगाया करें, जो कल हुआ है वो होना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, हम पूरा ध्यान रखेंगे, चिंता मत कीजिए। वो तो अच्छा है कि अस्पताल में बाबा जी को किसी ने भेज दिया जहाँ हम लोग सब थे, वरना अर्थ हो जाता। मालिक, हाँ ये हम बारूद मंगाए हैं, वो अपना मिट्टी की खान के लिए वहाँ इस्तेमाल होगा। वीरेन, इसको भंडार गृह में पहुँचा दो, संभाल के रखना है इसको, और सबको बता देना कि कोई इसके आगे पीछे छुए हुए ना
वरना हाथ पैर उड़े तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अरे टेंशन का ले रहे हैं जिया जी आप? अरे हम है ना अच्छे से संभाल के रखवा देंगे। ए दिलीप का कहीं आओ। मालिक ये आपके लिए आया। क्या है ये? किसने भेजा? पता नहीं मालिक ये किसने भेजा है, पर ये किसी ने घर के दरवाजे के बाहर रखा होगा। तुम सोते होते रहते हो क्या? कोई भी बाहर आके कुछ भी रख के चला जाता है और तुम उठा के ले आते हो। अच्छा ठीक है चलाओ। क्या है? कौन आ गया यार? हेलो मिश्रा जी। कभी भी फोन कर देते। हेलो पैकेट काहे को आया है? पानू को खुल भी नहीं किए। बारह बजने में 5 मिनट ही बाकी हैं। अरे यार कहाँ लगाऊं? बोलो बेटा क्या चाहिए तुम्हें? जादू चाहिए ना, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक काम करना होगा। जी देवी माँ, आप जो कहेंगे हम करेंगे। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी, करोगे? अच्छा तो तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी तो जादू भी नहीं मिलेगा। ठीक है तो हम जाते। नहीं नहीं देवी माँ आप मत जाइए, आप कहीं मत जाइए। हम वादा करते हैं हम मन लगा के पढ़ाई करेंगे और जो आप कहेंगे वो सब करेंगे। बंटी के कमरे में लाइट का है ऑन, देखें जरा। ठीक है तो वादा करो कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे और कोई भी मना करे पढ़ने पर फिर भी तुम पढ़ोगे और परीक्षा के लिए हम तुम्हारी माँ से बात कर लेंगे। लेकिन तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, बस तुम किसी को इस बारे में बताना मत। अगर बताया तो फिर तुम्हें जादू नहीं मिलेगा। दीदी दीदी माता रानी हम किसी को इस बारे में नहीं बताएंगे, बस हमें जादू दिलवा दीजिए। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो बंटी? हम वो प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना? तुम कब से प्रार्थना करने लगे? और ये टॉर्च का जलाए हो? वो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते वक्त टॉर्च या फिर मोमबत्ती चाहिए होती है। और वैसे आप हमारे कमरे में क्यों आई हैं? तुम्हारे इस टॉर्च की वजह से, हम सोचे बत्ती जल रही है तुम्हारे कमरे में, तुम सोए हो या नहीं सोए हो? वैसे हमें बहुत नींद आ रही है तो आप जाइए हमें सोना है। और पानी का ये भी ले लीजिए, हमें नहीं पीना।
बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।